तो हमारी दुनिया में पक्षियों की कई प्रजाति पाई जाती है। उनका घोंसला बेहद यूनिक है। इनमें से कुछ को हमने देखा होगा और कुछ को नहीं भी देखा होगा। तो आज वीडियो में मैं ऐसे पक्षियों के घोंसले के दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आप दंग रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे हुए एंड तक जरूर देखना, और आप नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इंजीनियरिंग बर्ड। ये पक्षी का घोंसला बनाने का तरीका बाकी पक्षियों से काफ़ी यूनिक और रोचक है। ये पक्षी हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ये पक्षी का नाम रूफेस हर्नेरो है। ये बर्ड अपना घोंसला तैयार करने के लिए कीचड़ और मिट्टी का इस्तेमाल किया करते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला तैयार करने के लिए कई बार उठते हैं तक अपना घोंसला तैयार करने के लिए जुटे रहते हैं। ये घोंसला मिट्टी से बने होने के कारण ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस घोंसले में एक छोटा सा छेद होता है जिसमें ही बर्ड ही जा सके ताकि शिकारियों से बच सके। ये पक्षी घोंसले का एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, फिर कोई दूसरा पक्षी इस्तेमाल करता है। वाटर बर्ड्स। ये मासूम सा दिखने वाला पक्षी नदियाँ समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ये पक्षी मिट्टी के अंदर सुरंग बना के अपना घोंसला तैयार करते हैं। उन्हें 5 या 6 अंडे देती है। नर और मादा अंडों का ख्याल रखते हैं। ये पक्षी मधुमक्खी और कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। उनका घोंसला ज़्यादा ऊंचाई पर न होने के कारण उनकी देखभाल ज़्यादातर रखनी पड़ती है। ज़्यादातर उनका घोंसला पर सांप का अटैक रहता है। फैलकॉन। ये पक्षी बड़े बड़े चट्टानों पर घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाने के पहले नर और मादा कई जगह को तलाश करते हैं और उनमें से एक जगह को वे अपना घोंसला बनाने के लिए चूज करते हैं। उनका घोंसला बनाने का तरीका बाकी पक्षियों से बेहद अनोखा है। कुछ घोंसले में सिर्फ घास और थोड़ी बहुत मिट्टी पाई जाती है और कुछ में छोटी छोटी टहनियों भी नज़र आती है। ये पक्षी अपना घोंसला खुद नहीं बनाते लेकिन दूसरे का घोंसला इस्तेमाल करते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत टहनियों मिलाकर घास बड़ा कर लेते हैं। ये ज़्यादातर चट्टान में रहना पसंद करते हैं। लिटिल ग्रेब। ये पक्षी ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं। ये पक्षी 10 इंच तक बढ़ सकते हैं। उनका शिकार मछली एवं पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं। ये पक्षी कम पानी वाली जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं। उनका घोंसला साधारण होता है जिनमें थोड़ी घास और छोटी टहनियाँ होती है। कई बार बाढ़ आने के कारण उनका घोंसला को खतरा होता है। उनके अंडे 4 या 7 पाए जाते हैं। ये पक्षी उनके बच्चों को अपनी पीठ पर रखना पसंद करते हैं। वुडपेकर बर्ड्स। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ को चूज करते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के खोखले भाग को चूज करते हैं। ये पक्षी घोंसला तैयार करने के लिए उनके चांच का इस्तेमाल करते हैं। पेड़ में छेद करके घोंसला बनाते हैं। उनकी चांच बेहद मजबूत और नखेली होती है। उनका घोंसला 2 या 3 सप्ताह में बनाते हैं। घोंसला तैयार होने के बाद मादा पक्षी अंडा देता है। टेलर बर्ड्स। ये छोटा सा दिखने वाला पक्षी अक्सर हरी भरी जगह में पाया जाता है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने का तरीका बेहद यूनिक और कमाल का है। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ की पत्तियों में बनाते हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए 2 बड़े पत्तों को चूस करते हैं। उनमें किनारे की ओर छोटे छोटे होल करते हैं। फिर ये मकड़ी के जाल से उनको सी देते हैं। फिर उनमें कॉटन सिल्क रखते हैं। उनको सीने का तरीका देखकर उनका नाम टेलर बर्ड रखा गया है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।